इसी बीच गुजरात टाइगर्स के शैडो को भी डाउन किया है ऑक्टेवियस द्वारा। और यहाँ देखिए आईक्यू सोल कार्निवल गेमिंग के अगेंस्ट फाइट लेती हुई स्प्रेस की कोशिश की जा रही है, मौली का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब मौका मिला है पीछे से अली बाबा रेडर्स को रोकने का। कुछ खिलाड़ियों को उतारा तो है, रोमन को राइट ऑफ द बैट कंफर्म करेंगे, लेकिन आईक्यू सोल तो यहाँ पे स्पॉट आउट हो गए थे पीछे से। ऑन द अदर साइड अगर हम जाए तो फिर एक बहुत बड़ी फाइट की यहाँ पे शुरुआत होती हुई, गॉड लाइक वर्सेस दी आईक्यू सोल। अभी देखिए पहला नेट तो यहाँ पे जा चुका है, कुछ डैमेज यहाँ पे दी गई है जिसके चलते सिंप डाउन हो गए, जेली बहुत लो है बट टीम आईक्यू सोल के खेमे में भी बहुत ज्यादा डैमेज। सोल रॉनी इफ आई एम नॉट मिस्टेकिन एक खिलाड़ी आईक्यू सोल से यहाँ पे नॉक डाउन, बट 2v3 का सिचुएशन जो कि एडमिनों के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी। बहुत बढ़िया ओपनिंग यहाँ पे निकालते हुए टीम गॉड लाइक आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। गोलियों के बरसात के साथ यहाँ पे गॉड लाइक के सपने भी बरस गए और उसी के चलते अब बस एक खिलाड़ी मौजूद और आईक्यू सोल डेफिनेटली कोशिश करेंगे यहाँ पे गॉड लाइक को पूरा पूरा खत्म करने का। गॉड की मानो वो जो नंबर्स का डिसएडवांटेज है वो शायद सिम को परेशान कर सकते हैं, लेकिन स्मोक के अंदर से जस्ट एक रैंडम फायर और एक शॉर्ट कनेक्शन बनता नजर आया एस जोकर के ऊपर। लेकिन अब रॉनी एंड एस पावर अपने उस एस 12 के साथ, उनको पता है सिम को डाउन अगर करने की कोशिश की जाए तो यहां पर हो सकता है उनको लगा था कि पत्थर के पीछे अपने आप को हाइड करके कोई स्पॉट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो जी इसके अंदर भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखे गए थे आईक्यू सोल का। एक बार वो पर्सपेक्टिव दिख जाएगा तो पता चल जाएगा जी हाँ कुछ यूटिल्स है नहीं उनके पास, फर्स्ट एड किट्स है उसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा। बट टर्बो भी देखे जीवन दान मिला था फिर से वो एक नॉकआउट, इस तरह से बार बार आपको नॉकआउट नहीं होना है अगर आईक्यू सोल के अगेंस्ट आपको ये बैटल निकालने की तरफ भी नंबर्स का एडवांटेज आपको बरकरार। और देखिए ना केवल उनके पास नंबर्स है उनके पास वो हाइट भी है यहाँ से, तो इसका फायदा तो उठा के चलिए। लेकिन एस पावर यहाँ पर बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ग्रेड जाएगा तो डैमेज अच्छा खासा उनको पड़ सकता है, लेकिन जी नहीं डिसीजन के साथ वो ग्रेड फेंका नहीं गया था। लेकिन एजे क्या चल रहा है बार बार लगातार अब इतना ओपन में आ चुके थे इसका फायदा निकालते नजर आए, एस पावर क्विकनेस एक अलग ही स्तर पर देखने को मिलती नजर। लेकिन यहाँ पर आएगी उनका भी समापन और टीम आईक्यू सोल विदाउट कैजुअलिटी इस पर्टिकुलर फाइट में। साइड फोर किंग भी मौजूद होंगे और थंडर को यहां पे स्पॉट कर लिया है इस पावर ने टैप शॉट्स तरफ से जिसके चलते थंडर को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देंगे बट 5 एचपी के साथ इनका वो रिएक्शन क्या इस रोप वे का वो इस्तेमाल करता नजर आएगा कि नहीं तो काफी एक्साइटेड है, लेकिन जरूरत नहीं है पढ़नी तो नहीं चाहिए सभी के लिए। ये फिलहाल तो गॉड लाइक और टीम आईक्यू सोल का फिर से एक भिड़ंत होता हुआ आपको नजर आएगा। एडमिनो यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो चुके हैं, जेली यहाँ पे नॉकडाउन है बट सिंप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अकेले खिलाड़ी थे जिनका एचपी बहुत ज्यादा था, ज़ीगॉड अभी फाइनली अपने आप को हील करेंगे बट एक 2v2 का यहाँ पे मुकाबला, मानिया पुश अप करने की कोशिश, एस पावर का बहुत बढ़िया फ्लैंक और उसी के साथ सिंप को डाउन करेंगे। ज़ीगॉड कोशिश जरूर की जा रही थी कि यहाँ पे रोक पाए उनको, मानिया को यहाँ नॉकडाउन करेंगे बट ज्यादा फायदा उनको शायद नहीं मिलने वाला है। बट फिर से मैं थोड़ा सा मतलब देखना चाहूंगा कि एक्सपार्क की हालत क्या है, बिकॉज अगर सर्कल के अंदर ये पहुंच जाते हैं 12 फिनिशर्स के साथ तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े चिकन डिनर की तैयारी यहाँ पे उनके खेमे में से भी हो रही है। बट ज़ीगॉड की हम फिर से बात करें तो फिर स्मोक्स यहाँ पे ले डाउन करेंगे, कोशिश तो कर रहे कि कोई थर्ड पार्टी एंगल ना क्रिएट हो जाए और पूरा का पूरा जो फोकस है पूरा आईक्यू सोल के ऊपर बना जाए। बट एस पावर इसी के बीच में एक छोटा सा एंगल निकालेंगे, सिर निकाल के वो स्प्रे करेंगे और एक खिलाड़ी को डाउन कर देंगे, जेली को यहाँ पे पूरा का पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा और टीम आईक्यू सोल फिर से ये गेम छीनते हुए आपको नजर आएगी बोथ टीम एक्सपार्क और गॉडलाइक से। बहुत ही शानदार और मुझे तो लग रहा है कि अब आखिरी अंतिम जो बैटल चलती नजर आ रही है यहाँ से ट्राई जरूर कर रहे हैं लेकिन फंसते नजर आ रहे थोड़े बहुत जो खिलाड़ी है ना। बट यहाँ पर पिछले शैडो को क्या स्पॉट करा है कि नहीं, मान्या एचपी बहुत ड्रेन आउट कर दिया आपने, अब वापस एक आईजीएल वर्सेस आईजीएल की बैटल जिसमें शैडो जरूर निकालेंगे नॉकआउट लेकिन सही वक्त रहते हम कह सकते हैं जोकर का वापस साथ मिलता नजर आ। लेकिन अब आखिरी बैटल जो थी यहाँ पर वो भी यहाँ पर धरी की धिर रह जाए क्योंकि आईक्यू सोल आज के दिन का ये एक हॉट चिकन डिनर कह सकते हैं 3 में से दूसरा विनर।